नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा के हिसार से लोकसभा सांसद जयप्रकाश इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। चर्चाओं का केंद्र इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जयप्रकाश ने कलायत विधानसभा सीट से अपने बेटे विकास सहारण के चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में संबोधित करते हुए लोगों को जयप्रकाश ने ये कहा कि लिपस्टिक पाउडर लगाने से यदि कोई नेता बनता हो तो फिर मैं ही वो लिपस्टिक पाउडर यूज कर सकता हूँ, मैं आखिरकार दाढ़ी क्यों रखता। यानी कि कहीं ना कहीं इस बयान को महिलाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है और जयप्रकाश ने इस पर सफाई भी पेश कर दी है। जयप्रकाश का कहना है कि मेरा वो बयान किसी जाति, धर्म, वर्ग विशेष को लेकर के नहीं था। मैंने सिर्फ इसलिए इतना कहा था क्योंकि राजनीति में संघर्ष करने के लिए यहाँ पर लगातार आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के दम पर ही सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ करके विरोधियों के द्वारा पेश किया जा रहा है। मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया, उस बयान में मैंने कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किया और मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। आज तक के मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर सुई रखने जितनी भी यहाँ पर कोई लालचन नहीं लगा है, मेरे चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा है और मैं लगातार उन लोगों की सेवा कर रहा। आपको बता दें कि जयप्रकाश जिस तरीके से हिसार से लोकसभा के सांसद बने हैं, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज करेगी और 10 सालों से बीजेपी का जो कुशासन चलता आ रहा है उसका अंत करने का काम करेगी। अब देखना ये होगा कि आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के ताबड़तोड़ जनप्रचार बयानबाजी के चलते कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता हासिल हो पाती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।